दूध पीता हूँ तो डकार काली मिर्च की आती है वो मुंह में हर जगह गया मसाला बैठा ना हवा वो क्या था? मसाले छुपा के बैठा था ना कुछ करें हम भी तो कुछ करें अपने डालने का मौका मिला Next. Hi guys, Kiran Jain, this side from Dainik Bhaskar. Uh, सवाल मेरा अभिषेक और मुनवर से है।, दोनो हो। हो। <laughs> है।, है दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो यार उसमें सॉरी बोल दिया पहले ही सॉरी है दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो घुमाना कैसे है सवालों को ये शायद हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से घुमा लेते हो और अपनी बात रख लेते हो जो कि अच्छी बात है शायद यही वजह है कि आप लोग टॉप फाइव तक पहुंच पाए Uh, uh, टॉप सिक्स तारीफ नहीं करेंगी ना पहले okay. सवाल ये है कि कितना लगता है कितने डिजर्विंग हो क्या ये सही एग्जाम्पल एक्चुअली जा रहा है बाहर के लोगों को क्योंकि आप दोनों ही अगर आपसे बात की जाए शो में जब थप्पड़ कांड हुआ समद के साथ स्पेशली जब सलमान खान ने आपको सपोर्ट किया थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो लग रहा है कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया क्योंकि आपको हीरो कहा गया ठीक है पोक किया आपने रिएक्ट किया सही था यहाँ पे भी हम देखते हैं जब मनारा पर्सनालिटी है वो बंदी बोल रही है जैसी भी है ज्यादा बोल रही है कम बोल रही है वो हमें भी पता है लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है पर्सनल की आप पोक कर रहे हो उसको बातों में या मुन्नावर जैसे अभी तो कम हो गए काफी थक गए लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिएक्शन देना ओवर करना कर रहा रहा ऐसा कह कह, लो या कह दो ना कि बात बात में उसे कहना आप शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पोक करने पर रिएक्शन क्या होते हैं जी पर मैंने आपको नहीं आपको नहीं लगता है कि जब मनारा कुछ बोल रही है या कोई कुछ बोल रहे बीच में अगर आप बोल स्पेशली जब आज पूरी प्रे, प्रेस है आज आपका गेम नहीं चल रहा है फिलहाल ये दो घंटे के लिए आपका गेम नहीं चल रहा था जी. तो आप जिस तरह से रिएक्ट करें क्या ये एक्चुअली आपकी रियल पर्सनालिटी है क्या एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो और अगर डिजर्व करते हो अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को मुनावर आपसे क्योंकि आप बार बार, बार सॉरी तो कह रहे हो जी जी लेकिन उस सॉरी को भी इतना इतना डिफेंड कर रहे हो इतना जैसे मस्ती मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर एक आध दो घर उजड़ जाएगा मस्ती में ही कहा होगा चलो ठीक है बट कहीं ना कहीं एक मिनट कहीं ना कहीं बाहर घर के अंदर आयशा है मनारा है बाहर नजीला है बा, इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का बट क्या वाकई में आपको लगता है आप भले ही बहुत अच्छे हो गए लेकिन क्या एक चीटर को question... डिजर्व करते हैं ठीक है आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है पर हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है सलमान भाई ने भी बोला है और हमें बिग बॉस ने भी हमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को पजिसिव हो बट वो लव वाला एंगल नहीं है पर्सनालिटी की बात करते पर्सनालिटी का शो है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप जब को आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है जिनकी ज़िंदगियों के जो चीज़ें हैं वही इस गेम का मूल है मूल मसाला जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ ही हैं अगर हमारी सबकी ज़िंदगियाँ पाक पतीजा जैसी रहेगी ना कि भाई सबकी जिंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है तो ये 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 वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा और इतना जो एंटरटेनमेंट मसाला एंटरटेनमेंट जो है वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे रही बात मेरे फ्लॉस की मेरी ज़िंदगी में जो मैंने गलतियां करी है और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो और वो भी बहुत घुमा फिरा के नहीं नहीं मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का मैं जेन्यूनली सॉरी हूँ मैंने दो हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूँ इस चीज़ में और रही बात बाहर जाके संभालने की मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मुझे बाहर जाकर ही करना है मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूँ वो आपको नहीं मैं मुझे प्लीज़ आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का नहीं सर आप बोलिए नहीं 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 मुझे दिख रहा है वो क्लियरली तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए हमारे बाद में बात आए उसके बावजूद भी हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं हम कितने सॉरी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है और जितना मैं सॉरी हूँ मुझे पता है मेरा दिल जानता है और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को मेरी चीज़ों को और मैं जो सॉरी कहता हूँ उसको कितना मीन करता हूँ मैं उसको आगे की ज़िंदगी में देख कर अपना जजमेंट हमेशा ज़िंदगी में ले ऐसे तो नहीं है तो यही प्लेटफॉर्म है इसके बाद भी मुझे काम करना है तो आप वो चीज़ आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखाऊँ और ये शो ही आपको सिखाता है बनाता है और मुझे इस शो ने बनाया है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता यहाँ नहीं कर पाया इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना वो मुझे करनी पड़ेगी और मैम मेरा सॉरी है मैं कैसे भी बोलूंगा, बट बोलूंगा। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना मैंने क्लियरली बोला था मैंने उनको ये बोला था आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग कब मतलब आप किसी से वो भी कह रहे कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते मैं वक, मैं, वक, मैं वक्त वक्त लेना चाहूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन होता है का और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं शौर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूँ तो अब मैं श्योर होना चाहता हूँ तो मैंने उनको ये बोला था इट्स अ हिंट बट आई फील समथिंग इज देर बट मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं उस चीज पे हंड्रेड परसेंट नहीं तो बोलूंगा ये मैंने बोला था श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने आ, वो बात काफी प्राइवेट और पर्सनल है और वो हकीकत भी नहीं है जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे तो वो मुझे करना जरूरी है बातों, क्यों अभी जी। बातों के माहिर होना पड़ेगा सवाल आप पूछ रहे हो तो आ, ये क्वालिटी शायद ये क्वालिटी से जीत जाऊ तो ईशा ईशा और मेरा एक रिलेशनशिप रहा है पता ही आप सबको और मैं उस मैंने उसको बहुत प्यार किया और हमारी बहुत लड़ाइया भी हुई हैं हर चीज में आपने वो भी देखी है मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मेरी तरफ़ से हुई और उसकी तरफ़ से भी एक दो बार हुई उस चीज़ का मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ मैं उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूँ मैंने स्टेज पे भी सॉरी बोला था पर उसके बाद जब उसने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली तो फिर मेरे को डिफेंड करना पड़ा मैंने यहाँ पे भी उसको सॉरी बोला है समर्थ के आने पे भी जब मुझे पता नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है उसके आने के बावजूद मैंने समर्थ को भी सॉरी बोला कि भाई अगर मेरे को पता होता कि तू है इसका बाहर तो मैं इसके क्लोज या मैं कोई फीलिंग्स ना रखता मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ पता नहीं क्यों अब कल वो गई थी मैं अभी तक मैं सुबह तक रो रहा था मेरे को नहीं पता मुझे लगा था और मैंने उसी को बोला था कि मुझे टनल तक इसका ही डालो क्योंकि तो मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा और वो कल निकली बट पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा रो रहा था और मुझे मेरी उडारियाँ वाली पुरानी एक साल की मेमरी सारी रिवाइंड हो रही थी तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूं मैं बहुत सॉरी हूं और आप मैं पता नहीं डिजर्व नहीं करता हूं करता हूं वो ऑडियंस बिग बॉस मेकर सलमान सर सब आप लोग डिसाइड करोगे बट मैं यहां हूं उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो थप्पड़ वाली गलती करी थी उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ मैं अभी ईशा से समर्थ से दोनों से तहलका भाई से तीनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं अगर मुझसे गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मैं उस चीज़ के लिए एक्चुअल में सॉरी हूं और मैं हमेशा से सॉरी रहा हूं यहां पे जितने लोग हैं उनको पता है कि मैं उस चीज़ के लिए सॉरी हूं बट गलती एक साइड से नहीं थी गलती दोनों साइड से थी मैंने स्टोरी हर तरह से बयानी की जैसे मुनावर भी बोला कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं अगर हम वो निकालेंगे वही शब्दों की जो आप बोल रहे हो तो कुछ चीज़ें निकालेंगे तो बहुत लोग हमारी फैमिलीज़ भी आ जाएंगी उस चीज़ में मैं नहीं चाहता हमारी फैमिलीज़ हमने ऑब्वियसली बहुत नाम खराब कर दिया उस लेवल पे चले गए उस पर्सनल चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं खोल सकते तो बस मैं सॉरी ही बोल के उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ सो सॉरी अभिषेक ने मुझे बोला कि इन्होंने तो ये भी बोला कि देखो तो कोई काम नहीं मिलेगा दिस वॉज रिलेटेड टू मौके पर धोखा जहाँ पे एक टास्क हुआ था एंड यू नो ही वॉज लाइक तुम मुझे नाम ही मैं खानजादी से बात कर रही थी इन्होंने नॉम में इन्वॉल्व कर दिया तो मैंने उस सेंस में बोला था बट जब ये टर्नल से बाहर जा रहे थे ना तो मैंने ही थी जो मैंने बोला था अभिषेक मेरे को पता है तू लाइफ में इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था बिकॉज तू घर पे का, तू काम करना चाहता है और यही थी, थी जिसने मेरे को दो बार घर से एग्जैक्ट बाहर जिसमें बोलने नहीं देते नहीं आप 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 नहीं बोल आप मुझे अभिषेक आपको बाहर जाके ना बहुत काम मिलेगा इन्होंने वो नहीं बताया बट अभी मीडिया के सामने टू आपने बहुत चीजें बोली जो मैं यहां पे बोल भी नहीं रहा हूं आप मौका दीजिए चांस चला गया नहीं नहीं अगर आप गलत बोल रही हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा क्योंकि आप गलत बोल रही हैं वो सीख आपको चीज सही होगी तो मैं आपको बोलने दूंगा अगर आपने बोला ऐसे ही डिफेम है करते हैं इन्होंने वो याद नहीं किया कि इनको जाते हुए मैंने क्या बोला तेरे को बहुत काम मिलेगा बट अभी मीडिया के आगे डिफेम करने के लिए बोला इससे डिफेम तो तो क्या, क्या हो जाएगा इसमें काम नहीं मिलेगा उन्होंने सुना हुआ है डिफेम मीडिया के आगे नहीं वो देख रहे हैं फॉर मुनावर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एट दिस